नमस्कार, मेरी रसोई में आपका फिर से स्वागत है। आज जो मैं आपको रेसिपी बताने जा रही हूँ वो है चोको लावा केक की रेसिपी, जो कि मार्केट के अंदर हमें मिलता है थोड़ा सा एक्सपेंसिव। तो मैं इसको आपको घर पे बनाना आपको बता रही हूँ, जो कि आप इजीली इसको चोको लावा केक को हम बना सकते हैं। कि जो मैं आज बनाने जा रही हूँ वो ओरियो बिस्किट के साथ मैं आपको चोको लावा केक बनाना सिखा रही हूँ, जिसके लिए सबसे पहले मैंने बिस्किट लिए हैं, मैंने ओरियो बेकिंग पाउडर लिया है, मैंने चीनी मैंने लिए पिसी हुई, दूध लिया है और डार्क कंपाउंड। सबसे पहले हमने क्या करना है, जो मैंने ये ओरियो बिस्किट लिए हैं इनको मैंने इस तरह से काटना है, और जो इसके अंदर क्रीम है उनको हमने चाकू की सहायता से हमने इसको साइड में करना है। ये देखिए इस तरह से हमने इनको सभी को क्रीम को हमने साइड में इनमें से बीच में से हमने इसको निकाल लेना है। बाकी ये सभी क्रीम को हमने इसमें से बिस्किट में से निकाल लिया अच्छी तरह से। तो अब मैंने ये मिक्सी का जो जार लिया इसके अंदर मैंने सभी बिस्किट्स को डाल लिया इस तरह से, और अब मैंने हाफ टेबल स्पून इसके अंदर चीनी शुगर ऐड किया है। चीनी ऐड करने के बाद में मैंने 1 पिंच बेकिंग पाउडर लिया था वो ऐड किया है, और अब मैंने अब इसको पीस लेना है। ये देखिए ये मैंने सभी बिस्किट को पीस लिया है। अब इसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून दूध का ऐड करना है, और एक बार और मैंने इसको मिक्सी में लगाकर इसको पीसना है। ये देखिए ये हमारा पेस्ट बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसके अंदर 2 टेबलस्पून जो मैंने दूध का ऐड किया था वो थोड़ा कम पड़ गया था, इसलिए मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून और दूध ऐड करके मैंने इसका पेस्ट बनाया। देखिए इसी तरह के हमें जो बैटर है वो चाहिए, तो इस तरह आपको अगर दूध और ऐड करना पड़े तो आप कर सकते हैं। तो अब हम केक बनाना स्टार्ट करते हैं। बैटर हमारा रेडी हो चुका है, और अब ये मैंने जो सिलिकॉन मोल्ड लिए हैं तो ये आपको मार्केट से बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, तो आप वहां से परचेज कर सकते हैं। तो अब मैंने जो मैंने बैटर रेडी किया है वो अब मैंने इसके अंदर डालना स्टार्ट करना है इस तरह से। ये देखिए ये मैंने बैटर इसके अंदर डाल लिया। तो अब मैंने जो डार्क कंपाउंड ली थी चॉकलेट वो इसके अंदर बीच में हमने इसको इस तरह से रख लिया है, और इसके ऊपर भी हमने पूरा बैटर लगा लेना है। इसको जो हमने बीच में इसको चॉकलेट को रखा है इसको अच्छी तरह से हमने इसको कवर करना है इस तरह से। ये मैंने जो बैटर था मैंने डाल लिया, ये माइक्रोवेव में जाने के लिए ये अब बिल्कुल रेडी है। ये हमारा चोको लावा केक का बैटर माइक्रोवेव में जाने के लिए रेडी है। तो अब मैंने इसको इस तरह से माइक्रोवेव में रख लिया है, और इसकी जो टाइमिंग है वो मैंने 1 मिनट की लगा ली है, और ये हमारा चोको लावा केक बनने के लिए रेडी हो रहा है। 1 मिनट हो चुका है, हम चेक करते हैं कि हमारा चोको लावा केक बन चुका है या नहीं। ये देखिए ये हमारा बहुत अच्छी तरह से रेडी हुआ है, अब मैं इसको माइक्रोवेव से निकाल देती हूँ। ये देखिए ये हमारा चोको लावा केक बिल्कुल अच्छी तरह से बहुत अच्छी तरह से फूल कर रेडी हो चुका है, अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। तो इस तरीके से अब हमने इसको बहुत ही धीरे धीरे हमने इसको निकालना है। ये देखिए ये बहुत अच्छी तरह से बन चुका है, तो अब हमने इसको काटना है। ये हमारा चोको लावा केक बनकर रेडी है, अब हम इसको काटते हैं कि ये हमारा लावा अच्छी तरह से रेडी हुआ है कि नहीं इस तरह से। वाओ ये देखिए ये कितनी अच्छी तरह से लावा बनकर इसमें से रेडी हुआ है, तो अब ये सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी है। ये देखिए ये हमारा चॉकलेट लावा केक बनकर बिल्कुल रेडी है। ये मैंने 2 चॉकलेट लावा केक बना लिए हैं जो कि बहुत ही इजी बने हैं। तो आप भी इस रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।